बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अली कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज आपको गेमिंग कंप्यूटर बनाने का तरीका बताएंगे। भाई दोस्तों, ये कंप्यूटर आया किसी का, ये देखे कितनी डस्ट है, मट्टी धूल काफ़ी इसमें जो लगी हुई है। आज हम इसको रेडी करेंगे, गेमिंग कंप्यूटर में इसको तब्दील करेंगे। तो इससे पहले हमारा अली कंप्यूटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को मुकम्मल देखें। ये देखें जी, ये पीसी है, हम इसको करेंगे सफाई इसकी अच्छी तरीके से, कपड़े के साथ ले लें या किसी ब्रश लगाएंगे। इसको लगाने के बाद हम इसको सफाई कर लें। ये देखें, क्लीन अप कर लिया। अब इसमें हम चीज़ें इंस्टॉलेशन करेंगे। ये दो पेज वगैरह इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करने। ये देखें ये रैम है, PC3 या DDR2 और DDR3 में हम ये PC है। DDR2 में हम PC में इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि ये PC3 है, इसमें DDR3 PC में इंस्टॉल करेंगे। प्रोसेसर है, ये हम प्रोसेसर ही नहीं यूज़ करेंगे, दूसरा यूज़ करेंगे, AMD का प्रोसेसर यूज़ करेंगे। ये गेमिंग के लिए बहुत ही बेस्ट है प्रोसेसर, 780 के लिए गेमिंग के लिए 12 MB कैश है। हाँ, SSD हम हार्ड यूज़ करेंगे गेमिंग के लिए। ये ग्राफिक कार्ड आ गया, अब इसको हम गेमिंग के लिए तैयार करेंगे। भाई दोस्तों, अगर आपका PC घर में कोई भी पड़ा हुआ है, DDR2 में DDR3 में, आप उसको गेमिंग के लिए कैसे भी तैयार करना चाहते हैं, हमसे रابطہ कर लें। हमारे YouTube चैनल पे वीडियो ये अपलोड है, हम जो ऐसे आप कहेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट गेमिंग के PC के लिए DDR4 की वीडियो लेके आएंगे। ये हम एक साइड पर कर लेते हैं। अब रेम्स वगैरह अब इसको ओपन करके इसमें इंस्टॉल करेंगे। ओपन कर लेंगे अच्छी तरीके से। भाई दोस्तों, मैं एक हाथ से वीडियो बनाता हूँ, एक हाथ से इसका वर्किंग करता हूँ। मेरे पास ना स्टैंड वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं है जिसपे मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं भाई, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया करें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने के लिए, तो इसलिए मैं एक हाथ से वीडियो एक हाथ से काम करता हूँ, तो इसलिए लाइक तो बनता है भाई। दोस्तों लाइक कर लें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपको बेहतरीन PC तैयार करने का तरीका मुकम्मल इस बताऊँ करूँगा हर वीडियो में, इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहूँगा। ये देखिए, हमने PC को ओपन कर लिया है। ये हमारे पास PC आया था गेमिंग के लिए बनने के लिए, अभी हम इसको गेमिंग PC में बताएँगे। कनेक्टर अच्छे तरीके से उतार लेने, हल्के से ये दबा के आराम से कनेक्टर उतार लेने। देखिए जी, हार्ड डिस्क ओपन करने के बाद, हार्ड डिस्क ओपन कर लेंगे, अनबॉक्स कर लेंगे। इंशाल्लाह ये PC बहुत ही बेहतरीन बन रहा है, फास्ट।
यो आप ऑफिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। गेमिंग के लिए बेस्ट है, अगर आप गेमिंग करते हैं तो ये गेमिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन। लॉक ओपन कर लेना, प्रोसेसर की अच्छी तरह साफ करेंगे। एएमडी का प्रोसेसर इसमें इस्तेमाल करें, पिन वाला इंटेल का भी यूज़ करें फिर सबसे बेहतर। तो ये जेन्युइन हम इसका यूज़ करेंगे, देखें मिट्टी कितनी लगी हुई है। इसको अच्छी तरह से कपड़े के साथ वॉश करेंगे, थर्मल लगाने के बाद इसको फिक्स करेंगे। जेम इंस्टॉल करेंगे इसमें एक एक करके। कस्टमर को इशू आ रहा था कि भाई मैंने गेमिंग करता हूँ तो सिस्टम हैंग हो जाता है। ये जिस भाई का कंप्यूटर है वो हमसे बाहर बाहर कहता था मुझे अच्छा पीसी इंस्टॉल करके दो, बीच बिल्ड इन करके दो। मैं कह चलो भाई आपको इंशाल्लाह पीसी बेहतरीन इंस्टॉल करके देते हैं। तो SSD के लिए सैमसंग की और रैम से इसके में अपडेट करेंगे रैम। हमने तो अपनी तरफ से ही लगा दी रैम, चेक करते हैं आगे, देखते हैं कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट, वो क्या हमें क्या कहते हैं कितनी रैम्स लगानी है। हमने तो एक मिनट पर सभी रैम्स लगा के दे दी। ये देखें SSD इंस्टॉल हो चुकी है, हमारे रैम्स भी इंस्टॉल हो चुकी हैं, हार्ड डिस्क। अब हम इसको माउस केबल लगाएंगे, पीछे केबल लगाएंगे, पावर केबल लगाएंगे। लो जी ये हमारा गेमिंग पीसी इंस्टॉल बिल्ट इन हो चुका है। भाई दोस्त आप घर में ये खुद गेमिंग पीसी तैयार कर सकते हैं मेरे दोस्तों भाइयों। ये देखे भैया कस्टमर कह रहा है कि मैंने उनसे पता किया, उन्होंने कह रहा कम से कम उन्होंने कहा मैं ऐसे करे 4 GB रैम इंस्टॉल कर दें। तो कस्टमर के पास पैसे कम होने की वजह से हम इसमें 3 GB इंस्टॉल करेंगे। देखिए पीसी ऑन हो गया, होने के बाद यस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिस्टम वर्किंग कर रहा है, बेहतरीन इंस्टॉलेशन हो चुकी है। SSD का यूज़ करने का यही तरीका है क्योंकि इसमें स्पीड बहुत ही फास्ट आती है, बेहतरीन स्पीड बनती है आपको वर्किंग के लिए। देखें पीसी ऑन, स्कैनिंग कर रहा है इसकी, हमने बूट किया SSD को तो इंस्टॉलेशन हो रही है। ये देखो दोस्तों
बेहतरीन वर्किंग कार है भाई। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम वर्किंग कर रहा है, बेहतरीन इंस्टॉलेशन हो चुका है, हमारा पीसी बिल्ट इन हो चुका है, बेहतरीन वर्किंग कर रहा है। कस्टमर की रिक्वायर थी मुझे 3 GB इंस्टॉल कर दे, मेरे पैसे भी पैसे उनके पास है, वो पैसे कम है उनके पास। इंशाल्लाह आपको नया पीसी बना के दिखाएंगे DDR4 में। एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उनको इंशाल्लाह पीसी रेडी करके देना। इंशाल्लाह वो नई अपलोड वीडियो जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी, 1-2 दिनों में न्यू पीसी इंस्टॉलेशन होने के लिए हमारे पास आया है गेमिंग के लिए। उनकी रिक्वायरमेंट 32 GB NVMe के साथ हार्ड डिस्क के साथ पीसी बिल्ट इन करेंगे। NVMe SSD हार्ड होगी इसमें और केस होगा उसका, PCI केस होगा और उसमें 32 GB उसकी रैम होगी। इंशाल्लाह वो गेमिंग के लिए वो रेडी होने के लिए हमारे पास आया हुआ है। इंशाल्लाह वो जल्दी इंस्टॉलेशन की उसकी वीडियो आप तक पहुंच सकेगी। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें भाई। दोस्तों इस तरह हम आपके पास जो भी पीसी पड़ा हुआ है आप उसको गेमिंग के लिए आप घर में खुद ही तैयार कर सकते हैं। इसके लिए इंस्टॉलेशन का तरीका मुकम्मल आपको बताया गया है। SSD हमसे बाय करना चाहते हैं हमसे बाय कर सकते हैं। कमेंट में आप हमारे इसमें लिंक लिखा होगा, आप देख लें। हम इंस्टाग्राम फेसबुक का वहाँ से हमें फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बेहतरीन गाइड देंगे। ये देखें हमारे SSD भी वर्क कर रही है और हर चीज़, ये देखें स्पीड कितनी हो चुकी है। आप इसमें हर चीज़ काम इजीली कर सकते हैं बेहतरीन। और DDR4 की तो क्या स्पीड है उसकी, प्रोसेसर है होगा अच्छा इंशाल्लाह। ये देखें हमारा पीसी बिल्ट इन हो चुका है बेहतरीन। अब इसे हम क्लोज करेंगे, ये देखिए DDR3 में इंस्टॉल किया, बिल्ट इन किया DDR3 में। इंशाल्लाह DDR4 में इंशाल्लाह जल्द ही पीसी इंस्टॉलेशन करेंगे, वो उसकी भी आपको इंस्टॉलेशन की वीडियो इंशाल्लाह जल्द अपलोड कर दी जाएगी। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें, और बेल आइकन की घंटी को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक इजी आसानी से पहुंच सके।